हरियाणा में सरकारी स्कूलों को मर्ज करने का मुद्दा लगातार गर्म होता जा रहा है। विपक्ष इस मसले को लेकर हरियाणा सरकार को जमकर घेर रहा है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के गृह जिले में एक बैठक के लिए पहुंची थी। इस दौरान गीता भुक्कल ने सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोला। पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार स्कूलों को खोलने के बजाय बंद करने में लगी हुई है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में काफी आक्रोश है। देखिए, शिक्षा की और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार का कोई भी ध्यान किसी प्रकार से नहीं है। 48,000 से ज़्यादा वैकेंसीज थी जिनको 38,000 बताया गया, फिर लिखित तौर पर कॉल अटेंशन देकर उनको 36,000 बताया गया। उसके बाद अब शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं 15,000 पोस्टों को ख़त्म किया जा रहा है, स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है, शिक्षा का भट्ठा बिठा दिया है। कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में स्कूल बचाओ, शिक्षा बचाओ, हरियाणा बचाओ का प्रस्ताव पास किया और हम लोग चाहते हैं कि स्कूल नए खुलने चाहिए, ना कि बंद होने चाहिए। आप प्राइवेट एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हैं। पहली बार ऐसा है जिसमें शिक्षक भी धरने पर हैं, उनके शिष्य भी और अभिभावक भी जो है वो धरने पर बैठे हैं। मुझे बड़ी हैरानी होती है, स्वयं शिक्षा मंत्री जी के गृह क्षेत्र में स्कूल बंद हो रहे हैं और उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुख है, 2200 से ज़्यादा स्कूलों को हमने अपग्रेड किया था, आरोही मॉडल स्कूल, किसान मॉडल स्कूल बनाए, नए नए स्कूल हमने बनाए। इन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल केवल नामकरण किया है, एक भी टीचर की भर्ती इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं की गई है। 4,000 प्लेवे स्कूल बनाए, एक भी नई भर्ती नहीं की है। हम सरकार से मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी शिक्षा के नाम पर कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से सिलेबस से स्वतंत्रता सेनानियों का, पूर्व मुख्यमंत्रियों का सिलेबस को खत्म किया है, ये लोग तो इतिहास को भी बदलना चाहते हैं। इससे बहुत ज्यादा नाराजगी हरियाणा प्रदेश में है। जो ट्रांसफर ड्राइव चल रहा है उसे स्कूलों से टीचर जो है ना, मतलब स्कूल बहुत ज्यादा खाली हो रहे हैं, तो लगता है कि इससे बच्चों का नुकसान है। देखिए, रैशनलाइजेशन के नाम पर स्कूलों पर ताले लगाए जा रहे हैं। आज के समय में बच्चे भी धरना दे रहे हैं, उन्होंने कहा है, बहुत सी पंचायतें, बहुत से स्कूल के बच्चे ये कह रहे हैं और टीचर्स भी नाराज हैं। वो ये कह रहे हैं रैशनलाइजेशन के नाम पर पोस्टों को खत्म करके, ताकि ये सरकार दिखा दे कि हम पोस्टें भर रहे हैं, जबकि इनको नई भर्ती करनी चाहिए। यहाँ पर घपले घोटाले तो कर रहे हैं, नई भर्ती एडवर्टाइजमेंट करे। पढ़ा लिखा एचटेट सीटेट पास युवा हमारा इस समय धक्के खा रहा है, खून से 2.5 लाख से ज्यादा हमारे एचटेट पास जो है वो टीचर लिखकर दे चुके हैं, जो भर्ती भावी टीचर, और भर्ती जो है वो सरकार इस समय नहीं कर रही है, तो सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। पार्टी तो केवल शोर करती है, कांग्रेस इसमें पूरी तरह से आंदोलन चला रही है।